हेलो गाइज, मेरा नाम है शेफ़ अमन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे मटन रोगन जोश की रेसिपी बना सकते हैं। ये रेसिपी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल होगी और मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस मटन रोगन जोश की खास बात यह कि स्वाद जो है इसका बिल्कुल कश्मीरी स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल और एकदम घर पर आसानी से बनने वाला ये मटन रोगन जोश आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मटन रोगन जोश की रेसिपी को बनाया जाता है। मटन रोगन जोश बनाने के लिए सबसे पहले हमें उबलता हुआ पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इस उबलते हुए पानी के अंदर हम ऐड करेंगे चार टमाटर को। टमाटर के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से कट्स लगाए हुए हैं और ये चार टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा उबलते हुए पानी के अंदर और इनको जो है हमें बॉइल करना है। तो दोस्तों, टमाटर को पानी के अंदर ऐड तो कर दिया लेकिन इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। मैंने जो है इसका ढक्कन लगाया है और एक मिनट के बाद, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के बाद इसका भाई ढक्कन खोल दिया है और टमाटर को पानी से निकाल कर साइड में रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाली प्रोसेस मैंने क्यों करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छिलका जो है इसका आराम से निकल जाएगा और एक मिनट की प्रोसेस के बाद हमें इसका छिलका निकाल देना है और इसको ब्लेंडर जार के अंदर ऐड करके ब्लेंड कर देना है। अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, आप चाहो तो हांडी में भी बना सकते हो। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है दो करछी सरसों का तेल। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों का तेल ऐड करें, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हमें क्या करना है, तेल को फाड़ देना है। तो वो हम करेंगे कैसे, हींग के पानी के साथ करेंगे। तो मैंने आधी चम्मच हींग ली है, उसके अंदर ज़रा सा पानी डाल दिया है और इसको गर्मा गर्म ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इससे होगा ये कि तेल का जितना भी फ्लेवर रहेगा वो तो खत्म होगा ही, उसी के साथ में ये जो तेल का फ्लेवर दिया है मैंने हींग के साथ, ये बिल्कुल मटन के अंदर तक जाएगा और एकदम जो रोगन जोश में खुशबू आती है वो खुशबू भी आएगी इसी तेल की मदद से। तो इसी खुशबू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे चार तेज़पत्ता लिया है, एक बड़ी दालचीनी है और तीन से चार मैंने हरी वाली इलायची ली है। इसको ऐड कर देने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पकाना है इसको, कम से कम आधे मिनट के लिए, जिससे भाई खुशबू जो है वो तो बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। और मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से पकाने के बाद अब मैं ऐड करूंगा इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया है और मैंने इसको सीधा तेल के अंदर ऐड कर दिया। अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगा। कम से कम मैंने एक मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करी है और भाई रोगन जोश बना रहे हैं तो भाई भुनाई तो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब अदरक लहसुन की भुनाई के बाद हम क्या करेंगे, एक किलो मटन ले लेंगे और मटन को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा आप। मैंने अच्छी तरीके से धो भी दिया, साफ भी कर दिया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसको प्रेशर कुकर के अंदर। आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई भुनाई जो है मटन रोगन जोश बनाते टाइम बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करना शुरू कर दिया। मटन रोगन जोश बनाते टाइम कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कश्मीरी मिर्चें सबके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इसका मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है कि भाई आपको कश्मीरी स्वाद भी मिल जाए और आपको कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत भी ना पड़े, यानी कि खड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने देखिए बातों ही बातों में 10 मिनट तक इसकी भुनाई कर दी है और आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट मटन के साथ बिल्कुल चिपक सा गया है और मटन की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। तो जब मटन की भुनाई हो चुकी है तब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर का, दो बड़े चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, दो बड़े चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर लिया है और दो बड़े चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर लिया है। और जिन लोगों को नहीं पता कि भाई सौंठ क्या होती है, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर, तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया। और सौंफ का पाउडर अगर आप बनाए ना, मैंने यहाँ पे जो सौंफ का पाउडर बनाया है एकदम बारीक बनाया, और अगर आपका पाउडर बारीक नहीं बन रहा है तो आप उसको छन्नी से छान लीजिएगा और देखते ही देखते इसकी रंगत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और अब आप वीडियो में ये देखिए। मटन की बुनाई भाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है, लेकिन अभी हम सबसे पहली वाली स्टेप पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको टमाटर को दिखाया था। तो यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल चार टमाटर लिए थे जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लिया, पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है और मैंने इसको जब मटन के अंदर ऐड किया और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलाना है।
भाई टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की रंगत आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया सा कश्मीरी रोगन जोश का कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे दही लेके रखा है, तो यहाँ पे जो दही है ये मैं मीठा वाला दही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और प्रेशर कुकर को एकदम धीमी आँच पर रख दिया है। उस टाइम पर जब मैंने दही ऐड किया तो उससे हमारा दही फटेगा नहीं, और दही ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों मैं आपको जितने भी मसाले बता रहा हूँ सबकी सब क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, लेकिन आप जो तरीका है बनाने का वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। और साथ ही मैं आपको प्रेशर कुकिंग की भी काफ़ी ढेर सारी टिप्स दूंगा, तो उसे आप मिस आउट नहीं करिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और देखते ही देखते देखिए रंगत कितनी बढ़िया सी आ गई है हमारे मटन में, और अब हमें क्या करना है, बस इसको हाई फ्लेम पर पकाते रहना है। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच नमक। यहाँ पे मैं 1 छोटे चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि मटन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन चुका है, और जो हमारी ग्रेवी है वो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से पक भी चुकी है, रंगत भी आ चुकी है, और साथ में मटन जो है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मटन रोगन जोश को प्रेशर कुक करने के पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी जो है 300 ml है, तो मैंने यहाँ पे उसे ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार इसको मिक्स कर दूंगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद भाई हम लोग की जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि ग्रेवी बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मटन रोगन जोश बना रहे तो ग्रेवी में हल्का सा गाढ़ापन रहना चाहिए। और बस अब आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लीजिए, और अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा आप। मटन रोगन जोश को अगर आप प्रेशर कुक करें तो भाई 1 सीटी एकदम हाई फ्लेम पे लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो पहली सीटी रहेगी बिल्कुल हाई फ्लेम पे आ जाने के बाद हम गैस को लो कर देंगे। अब उसके बाद आपको सीटियों का ध्यान नहीं रखना है, एकदम धीमी आंच पे इसको 20 मिनट तक के लिए पकने देना है। जैसे कि दम कुकिंग होती है होटल या रेस्टोरेंट में, हमें बिल्कुल वैसी ही दम कुकिंग करनी है यहाँ पे। और 20 मिनट के बाद जैसी हम लोग की आखिरी सीटी आ जाएगी उसके बाद हम प्रेशर कुकर को उठाकर साइड में रख देंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे और उसके बाद ढक्कन खोल के देखेंगे तो भाई आपका मटन रोगन जोश कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं कि भाई जो मटन रोगन जोश का जो रोगन है वो कितनी बढ़िया तरीके से ऊपर आ चुका है, और उसी के साथ में मटन बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। दोस्तों ऐसा मटन रोगन जोश अगर आप घर पे बनाए तो भाई आपकी तारीफ तो बिल्कुल पक्की रहेगी। और सच मानिए मैंने बड़ी मुश्किल से ये मटन रोगन जोश की रेसिपी आपको लेके आया हूँ, काफ़ी बार फेल भी हुई है, लेकिन भाई ये वाली रेसिपी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको घर पे बनाइए, और साथ में देख ही सकते हैं आपके मटन के पीसेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो इसी के साथ मटन रोगन जोश की रेसिपी कंप्लीट होती है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपको पसंद आया हो तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम फिर मिलते हैं नई नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।